मैं हूं आपके साथ देवेंद्र जयमन और आप देख रहे हैं पल पल राजस्थान। कोविड सहायक भर्ती, कोविड स्वास्थ्य सहायकों की यहां पर जो है जमावड़ा लगा हुआ है। पिछले दो दिनों से यहां पर जो है जमावड़ा लगा हुआ है। यहां पर खून से जो है खत भी लिखा गया, परंतु सरकार जो है आखिरकार सुध नहीं ले रही है। चार दिन से यहाँ पर जो है कोविड स्वास्थ्य सहायकों का जमावड़ा लगा हुआ है। मुख्यमंत्री को यहाँ तक खत भी लिखे गए, लेकिन कोई अभी तक समस्या का समाधान नहीं हुआ है। अनशन पर जो है यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं। हमारे साथ यहाँ पर एक भैया है, सर आप बताइए। सर जी आप इतने दिनों से यहाँ पर बैठे हैं, लगातार चार दिन हो चुके हैं, सरकार जो है सुध नहीं ले रही। अभी भी खून से खत लिखा जा चुका है, फिर भी अभी तक कुछ सुध नहीं है, क्या कहना चाहते हैं आप? हम गहलोत, माननीय गहलोत साहब से ये कहना चाह रहे हैं कि हम गरीबों की भी सुने। हमारे भी बच्चे हैं, CHM चार रोज से यहाँ भूखे पैसे बैठे हैं, और हमारे ये भाई है, ये अनशन पे बैठा है चार दिन से। तो आप देख सकते हैं ये भाई जो है लगातार चार दिन से अनशन पे बैठे हैं। हाथ जोड़ के यही कहना चाहते हैं माननीय गहलोत साहब, हमारी मांगे सुनिए, आप हमारा दर्द समझिए। हम इससे ज्यादा हम क्या कह सकते हैं? आप ये बताइए, चार दिन आपको यहाँ पर धरने देते हो गया, आप मान लीजिए यदि सरकार, गहलोत सरकार आपकी मांगे पूरी नहीं करती, तो आपकी आगे की क्या प्रोसेस होने वाली है? हमारी आगे की यही है, हम शहीद स्मारक पे यही जान नौछावर कर देंगे। हम तो प्राण दे देंगे, चाहे हमारे साथ लाठियां बरसाए, चाहे कुछ भी हो। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से लोग यहाँ पर बोल रहे हैं कि हम CHA भाई जो है जान तक जो दे सकते हैं। हमारे यहाँ पर भाई साहब, बड़े भाई साहब है, हम इनसे पूछेंगे। सर लगातार चार दिन से धरना चालू है, लोग अनशन पर अड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं गहलोत सरकार फिर भी सुध नहीं ले रही, खून से खत लिखे जा चुके हैं, आपका क्या कुछ कहना है सर? यदि गहलोत सरकार ये मांगे पूरी नहीं करती, आगे क्या कार्यवाही रहने वाली है? मैं खुद आज आमरण अनशन पर बैठा हूँ, ठीक है। अगर जल्दी गहलोत सरकार कोई समाधान नहीं करती, आज भी वार्ता हुई थी जो विफल हुई है, अगर गहलोत सरकार जल्दी कोई समाधान नहीं करती तो जितने भी लोग आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं वो सभी के सभी आमरण अनशन पर बैठेंगे। हम अपनी जान दे देंगे लेकिन नौकरी लेके जाएंगे। जी सर, तो आपको सर क्या लगता है, गहलोत सरकार जो है क्या आपकी मांगे मानेगी, और मानेगी तो कितने दिनों में मानेगी सर? मैं तो ये कहता हूँ, गहलोत सरकार से यही निवेदन करता हूँ, किसी भी साथी की जान जाए उससे पहले आपको सभी साथियों को नौकरी पे ले जाना चाहिए, क्योंकि मैं ना तो हॉस्पिटल जाऊंगा, ना मैं कुछ अपना अनशन खत्म करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने अपने परिवार को बोल दिया, अपने माँ बाप को बोल दिया, और गहलोत सरकार को मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल देना चाहता हूँ, मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा, यहाँ अपनी जान दे दूंगा, और ना ही ये साथी मेरे को हॉस्पिटल जाने देंगे। कितने दिनों से यहाँ पर सर अनशन पे बैठे हुए? मेरा आज दूसरा दिन है, कल रात से मैंने कुछ नहीं खाया है। आज आप अनशन पे हैं, जलपान भी आप ग्रहण नहीं कर रहे? जलपान थोड़ा बहुत ले रहे हैं, अगर जरूरत पड़ी कल तो वो भी बंद कर देंगे। तो आप वार्ता हुई थी आशुतोष जी से, आशुतोष जी ने क्या कहा सर? उन्होंने साफ मना कर दिया, कमेटी का बोल रहे हैं वॉलंटियर हमें नहीं बनना। तो आखिरकार क्या दोष है कोविड स्वास्थ्य सहायकों का, जो कोई भी गहलोत सरकार के कोई भी मंत्री जो है इनकी सुध नहीं ले रहे, इनकी पुकार नहीं सुन रहे हैं? हम चार दिन से भूखे प्यासे पड़े हैं, नहीं हमारे को सरकार सुन रही है, और हम अनशन पर विचार विमर्श कर रहे हैं कि हमारे साथ कोई कार्रवाई हो, और हम बिल्कुल शारीरिक तपड़ी से और मानसिक प्रताड़ना हमारे साथ हो रही है, और हमारा जो CHA है वो एकजुट में है, या करो या मरो की नीति पर बैठा हुआ है, और हम चाहते हैं कि हमारी सरकार हमारी मांगे सुने, हमारे कभी हमें शामिल करें, और हम एक तरफ से रहेंगे और लेकर ही रहेंगे। सर लगातार चार दिन से धरना चल रहा है, और हम देख रहे हैं कि लगातार यहाँ पर भीड़ बढ़ रही है, तो क्या ये आगे भी इस तरीके की भीड़ बढ़ती नजर आएगी? बिल्कुल, ये आगे की तरफ बढ़ती रहेगी। हम सड़क पर उतरेंगे, हम अपनी जान गंवा देंगे, भूखे प्यासे बैठे हैं, बच्चे और माँ बाप लगातार फोन आ रहा है, लेकिन हमने एक संकल्प ले रखा है जीवन में कि हम CHA और संविदा में परमानेंट होकर ही जाएंगे, ये हमारी मानता है, और हम संकल्प लेकर बैठे हैं इस चीज़ के बारे में कि हमारी सरकार हमारे सुने, और हम अशोक गहलोत के यानी बिल्कुल सहमत हैं इस चीज़ के बारे में कि हमारी मांगे जल्दी से जल्दी इनको संविदा में कटे सामने। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे सर इस मुद्दे पर? मैं बाड़मेर जिले से बालोतरा ब्लॉक से हूँ, हमारे यहाँ मुख्यमंत्री महोदय का दौरा था चार पाँच दिन पहले, उस समय मुख्यमंत्री महोदय से हमने निवेदन किया था कि जो CHA लगे हुए हैं, हमने कोविड के टाइम ने सेवा दी है और हमें हटा दिया गया है, तो हमें वापस लगाया जाए कैडर। तो मुख्यमंत्री ने हमें एक लॉलीपॉप पकड़ाई, और उसमें ये कहा गया मुख्यमंत्री के द्वारा कि आपको कैडर बनाकर SC ST और OBC का कोटा बनाकर फिर उसके में शामिल करके आपको लगाया जाएगा, परंतु ऐसा कुछ नहीं। जिस समय भर्ती हुई उस समय SC ST OBC का कैडर बना हुआ था, और
वर्तमान समय में सरकार ये चाह रही है कैसे भी करके इन कर्मचारियों को हटाया जाए। तो मैं अशोक गहलोत सरकार से निवेदन करना ये चाह रहा हूँ, एक तो घोषणा पर राजस्थान कांग्रेस सरकार के घोषणा पर ही जो हमारे वहाँ कस्बे से आते हैं राजस्व मंत्री हरीश चौधरी, जो पूर्व राजस्व मंत्री हैं अभी वर्तमान में नहीं है, तो उनसे भी मेरा यही आग्रह है कि आपने इसी प्रकार राजस्थान में घोषणा की, उसी प्रकार आपने पंजाब में भी घोषणाएं कर रखी थी, तो वहाँ केजरीवाल की सरकार आई है। यही हालात राजस्थान में होंगे अगर हमारे सीएसए को परमानेंट नहीं किया गया, और तो फिर राजस्थान के अंदर केजरीवाल की सरकार आएगी, ये मैं तय दिल से कहता हूँ, क्योंकि यही घोषणाएं यही राजस्व मंत्री हरीश चौधरी। आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पर केजरीवाल की सरकार आएगी, तो केजरीवाल के सरकार के जो मंत्री लोग हैं वो यहाँ पर क्यों नहीं आ रहे सर? बिल्कुल, वो भी आएंगे, हमारी उनसे वार्तालाप चल रही है, राजस्थान में आएंगे, हमारे से वार्तालाप होगी, क्योंकि उन्होंने पंजाब के अंदर वादा किया था अभी सरकार बनी उससे पहले कि अस्थाई कर्मचारियों को परमानेंट कर लेंगे, और उन्होंने वहाँ वादा पूरा किया है अभी वर्तमान, तो हमें भी आत्मविश्वास है कि वो सरकार आएगी तो हमें परमानेंट कर देगी। अशोक जी से हमारा यही निवेदन है, हम भी उसी विभाग से आते हैं जहाँ अशोक जी का रहवास है, जोधपुर जिले का, खंड हमारा जोधपुर है, बालोतरा ब्लॉक है, तो हम उनसे यही निवेदन करना चाह रहे हैं कि अभी तक शांत व्यवहार से हम बैठे हैं, अभी तक हमारे साथी 4-5 भूख हड़ताल पे है, और कल या परसों तक अगर हमारा ये मानदेय वाला या जो भी सिस्टम है माना नहीं गया तो हम सारे के सारे भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे, और अशोक गहलोत सरकार को झुकना पड़ेगा और हमारी मांगे माननी पड़ेगी। तो जैसा कि राजस्थान जो है बेरोजगारी में नंबर वन है, तो आप देख सकते हैं, लेकिन हमारे साथ कुछ महिलाएं भी जो हैं यहाँ पर, बहनें भी मौजूद है, वो कुछ क्या कहना चाहती है, क्या वो भी अनशन पर बैठी हुई है? मैं उनसे जो है यहाँ पर संपर्क बनाता हूँ। दीदी, आप कितने दिनों से हैं यहाँ पर? 3 दिन हो गए, आज चौथा दिन है। चौथा दिन है, क्या आप भी अनशन पर बैठी हुई है? अनशन पर अभी बैठे नहीं है, पर उनके भैया के सपोर्ट में पूरी तरह से है। सीएचओ कोई भी कहीं नहीं जाएगा, कोई नहीं हिलेगा, और अगर हमारा काम नहीं होता, हमारी सुनवाई नहीं करते, तो कल से सभी लेडीज बैठेगी अनशन पे। कल से सर, लेडीज भी बैठेगी। कहाँ से आए हो मैम आप? मैं भीलवाड़ा से सीएचओ हूँ। आप देख सकते हैं कि भीलवाड़ा से, जैसलमेर से, जोधपुर से, बहुत दूर दूर से यहाँ पर जो है लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, और आप देख सकते हैं कितनी मासूम लड़की है, 4 दिन से जो है बुखार। अगर कुछ हो जाता है हमारा, मेरे या किसी के भी बच्चे को, उसका जिम्मेदार अशोक गहलोत सर होगा, उनकी सरकार होगी। तो आप देख सकते हैं 4 दिन से जो ये बच्ची है अपनी माता के साथ में धरने में बैठी हुई है, सरकार हालांकि सुद नहीं ले रही है। आखिर कब तक बेरोजगारी की जो है ये मांग पूर्ति नहीं करेगी गहलोत सरकार? हमारे साथ कुछ और मैडम यहाँ पर साथ है, हम उनसे पूछेंगे। मैम, कितने दिन हो गए आपको धरने पे? 4 दिन से बैठे हैं लगातार यहाँ पर। जब तक हमारी सरकार मांग नहीं मांगेगी, हम यहाँ से उठने वाले नहीं है। चाहे सरकार को जो हथकंडे अपनाने वो अपनाए। मैम, आप क्या भी अनशन पे बैठे हुए हो? नहीं, अनशन पे नहीं बैठे, अनशन पे ये भैया बैठे हैं। गवर्नमेंट से भी वार्ता हुई, लेकिन उन्होंने नकारात्मक जवाब दिया। तो हम ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट से हमारी जो 3 मांग है, ना तो हम उससे कम करेंगे, ना हम उससे ज्यादा करेंगे। जो मांग है उस पर सरकार टिकी रहे। तो मैम, आप कब तक रहोगे यहाँ पर? जब तक हमारी मांग पूरी नहीं करती है गवर्नमेंट, तब तक। हमारे साथ और मैम, आप कहाँ से आए? सर, मैं बीकानेर जिले से हूँ। तो आप देख सकते हैं बीकानेर जिले से मैम यहाँ पर आई हुई है। मैम, आप कब से यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं? सर, मैं तो आज सुबह ही आई थी। आज सुबह आए थे? अच्छा, तो मैम आप अनशन पे हो? हाँ। अच्छा, तो मैम आप ये बताइए कि कब तक जो है ये गहलोत सरकार जो है इस तरीके से बेरोजगारों का शोषण करती रहेगी? गहलोत सरकार है ना, ये न्यूज में ही नहीं आ रही है। सब इतनी भीड़ लगी हुई है, कितने लोग यहाँ आए हुए हैं, कोई सुन ही नहीं रहा है। कोई नेता लोग किसी को की फिक्र ही नहीं है कि हम घर छोड़ के यहाँ बैठे हैं। अभी तक कोई भी नेता यहाँ पर नहीं आया? नेता और हम तो किसी को नहीं देखा, ना न्यूज में देखी हमने ये खबर। मीडिया वाले आते हैं और बोल देते हैं, लेके चले जाते हैं। व्यवस्था नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो तो आम जनता पार्टी के नेता, उन्होंने खाने की पानी की व्यवस्था करी। आज जगह आज 2 दिनों के तबियत खराब हो गई। 4 दिन तो मेरी हो गए कंट्री, 4 दिन से लगातार। 4 दिन से मैम, आपका क्या नाम है? मेरा नाम पुष्पा योगी, टोंक डिस्ट्रिक्ट से हूँ मैं। तो देख सकते हैं आप तमाम भीलवाड़ा, जैसलमेर, बीकानेर, टोंक से बैठे हुए यहाँ। किसी एक नेता के बेटा को यहाँ पे बिठा के दिखाओ एक बार, किसी एक नेता के बेटा को बिठा के धूप के अंदर बैठा रह जाएगा क्या? मैं बहुत काम किया है, फिर भी हमारे को ऐसे निकाला था 31 तारीख को किया। आप तो निकल जाओ ऐसे, पूरी तरह से निकल। आप देख सकते हैं कोविड के अंदर इतने लोगों की जान बचाए जिन सीएचए कर्मियों ने, आज उनको ही जो है बाहर निकाल दिया गया है, जिन्होंने दिन रात जो है कोविड सहायक बनकर काम किया है। मैम, आप कहाँ से आए? मैं नागौर जिले से आई हूँ, एरिया मैं आज ही आई हूँ। मैं कोविड में, डेंगू में हमने सब जगह काम किया था, लेकिन इन्होंने 10 महीने रख के हमारी सैलरी भी नहीं दी, तो भी हमने काम किया था। आज है ना हमारे को निकाल दिया, तो हम जब तक ये हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, हम ऐसे है ना भूखे प्यासे बैठे रहेंगे। कितने दिन से आए हो मैम आप? आज यही सुबह आई थी। आज सुबह आई थी, और भी तादाद में संख्या आने की आपको लगता है यहाँ पर आएगी? आएगी, जरूर आएगी, सब जो भी है जी। तो आप देख सकते हैं।